गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था और हमने कहा था कि आलोकन एकेडमी जो है आपके करंट अफेयर्स के इश्यूज को रोज़ आपके साथ शेयर करेगी, तो इस कार्यक्रम में हमें दो एपिसोड्स, दो लेसन इसमें हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। तीसरे लेसन में हम आपके जो हमें दो जो लेसन हुए उसके जो फीडबैक्स मिले थे, उन फीडबैक्स के आधार पर हमने इस कार्यक्रम में कुछ तब्दीली की है, कुछ परिवर्तन किए हैं, कुछ संशोधन किए हैं, और वो संशोधन हमने आपकी जो फीडबैक के उसके आधार पर और फिर हमारी जो टेक्निकल टीम है उसके डिस्कशन के बाद उसको हमने अंततोगत्वा उसको इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया है। उसमें हमने ये किया है कि इसमें आपके फीडबैक के आधार पर हम इसमें एक स्टेटमेंट लेकर के आएंगे। जो स्टेटमेंट हम लेकर के आएंगे उस पर्सनैलिटी के बारे में, उस व्यक्तित्व के बारे में हम कुछ समरी आपके सामने रखेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि वो जो समरी है उस समरी में हम ऐसे तथ्य लेकर के आएँ, ऐसी जानकारी आपके लेकर के सामने लेकर के आएँ जिसमें वो आपको परीक्षा की दृष्टि से भी सुदृढ़ बनाती हो और उन पर्सनैलिटी के बारे में जो अब तक जो बातें आपने पढ़ी है उससे शायद अटकर हो। वैसे तो आप सब जानते हैं गूगल का ज़माना है, गूगल में जो है कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, फिर भी हमारी कोशिश ये है कि ऐसे तथ्य हम लेकर के आने की कोशिश करेंगे जो कम से कम लोग जानते हो। आप सब जानते हैं कि हम ये जो करंट अफेयर्स का जो सेशन है इसको 4 बजे लेकर के आ रहे थे, पर हमारी कोशिश ये है कि अब इसको हम थोड़ा जल्दी लेकर के आएँ क्योंकि उसके फीडबैक भी हमें मिल रहे हैं और हमारा ये जो कार्यक्रम है वो कल से 11 बजे हम इसको लेकर के आएंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि आप 11 बजे कल से हमें हमारे साथ जुड़िएगा और YouTube पे उस पर जो है आपको लाइव लेकर के आएंगे, इसलिए आप जो है उसमें लाइव में 11 बजे से जुड़ सकते हैं। दूसरी जो बात मैं आपके सामने जो लेकर के आज के इस कार्यक्रम में आया हूँ, इसमें पहला जो हमने आपकी जो फीडबैक है उस फीडबैक के आधार पर एक स्टेटमेंट हम आपके सामने लेकर के आए हैं और ये जो कथन है ये कथन जो सबसे जो महान जो वैज्ञानिक हैं, जो सबसे अच्छे जो साइंटिस्ट हैं उनमें से एक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने वक्तव्य में कहा है उस पर हम चर्चा करेंगे, पर मैं आपके सामने कुछ एक दो चीज़ें दो और शेयर करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ और जर्मनी में उन्होंने जो जिस तरह की शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी जो टकराहट थी, उनके वहाँ के जो तानाशाह उस टाइम पे थे हिटलर, उनसे उनकी तनातनी रही, उनसे उनके जो है मतभेद रहे और बाद में मनभेद भी के रूप में भी सामने आए। आप सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को हिटलर के की जो तानाशाही थी वो शांत नहीं कर पाई और उन्होंने अंततः जर्मनी छोड़ने का निर्णय लिया और नॉर्वे और दूसरे देशों में रहे और उसके बाद आखिर में जा कर के अमरीका में बस गए। आप ये भी जानते हैं कि उनके द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं उनके पत्रों में उन्होंने कई उस समय की जो हस्तियां थी उनको पत्र लिखे, पर उनके जो दो तीन जो पत्र हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उसके लेवल के माने जाते हैं, जिसमें एक पत्र उन्होंने अपने बेटे को लिखा, एक पत्र उनकी बेटी को लिखा, एक पत्र उस समय के जो अमरीकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट उनको लिखा, उन्होंने जापान के ऊपर जो 1945 में जो न्यूक्लियर अटैक हुआ उसकी भी आलोचना की और अमरीका के राष्ट्रपति को उसके बारे में भी लिखा, और उनका एक पत्र उन्होंने जो अपनी बेटी को लिखा उसकी नीलामी हुई और वो नीलामी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नीलामियों में से एक है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो ओहदा था, उनका जो कद था, उनका जो स्तर था, उनका लेवल था वो कितना ऊंचा था। और हम उनके स्टेटमेंट को जब आप बात करते हैं तो उन्होंने एक बार कहा था कि हर शख्स जीनियस होता है, ये जो प्रकृति का जो नियम है
जिसको इस देश में झुटला दिया गया है कि हर जो व्यक्ति है उसकी जीनियसनेस जो है, उसकी जो एक जो काबिलियत है, उसको यहाँ की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था ने जो है एक तरीके से दरकिनार किया हुआ है, एक तरीके से नज़रअंदाज किया हुआ है, उसकी उपेक्षा की हुई है। और उसी की वजह से आप सब जानते हैं इस देश का जो लगभग 80% जो पॉपुलेशन है उसकी आवाज़ शायद कहीं सुनी नहीं जाती है। उसका जो उसकी जो शिक्षा है, उसका रहन सहन है, उसका सामाजिक स्तर है, उसकी सोच है, उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नियंत्रित कर रहा है। ऐसे में आइंस्टीन का ये कथन जो अपने आप में बहुत अहमियत वाला है, जिसमें वो कहते हैं कि हर शख्स जीनियस होता है, लेकिन अगर आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकेंगे तो वह मछली सारी उम्र यही सोचती रहेगी कि वह मूर्ख है। ये जो कथन है ये भारत के परिप्रेक्ष्य में अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और भारत में जैसे देश में जहाँ जाति व्यवस्था है, शोषण है, महिलाओं के प्रति अत्याचार है, महिलाओं को एक इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, इन महिलाओं के साथ जो दोयम दर्जे का जो व्यवहार होता है, इवन जो दूसरे जो मनुष्य हैं उनके साथ भी उनको मनुष्य की श्रेणी में नहीं माना जाता। और कई बार तो ऐसे समाचार और ऐसे चीज़ें सुनने को आती है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक जानवर जो होता है, जो अपर एक क्लास का जो जानवर है, वो एक दूसरे जो उसका जो मनुष्य है उससे भी शायद ज़्यादा अहमियत पा जाता है। आप यह जानते हैं यहाँ पे जो है मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता, उनको जो व्यक्तिगत उनकी जो स्वतंत्रता है उसका हनन रात दिन होता रहता है, इवन उनको अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए जाते, इवन उनको बाल भी संवारने तक पे लोगों को आपत्तियां हैं। और यहाँ जो एक बार ये जो ऐसा ही वाक्य बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी घटित हुआ था, उनको नाई ने बाल काटने से मना कर दिया और वही नाई जो है वो दूसरे लोगों के घर भैंस के बाल काटने चले जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भारत की जो स्थिति है उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जो ये कहता है कि हर आदमी जीनियस है और उसकी जीनियसनेस का देश के हित में काम आना चाहिए। और इसके लिए सरकार को, सरकार की जिम्मेदारी है, हमारा जो संविधान है इस चीज़ की गारंटी देता है और इस गारंटी को पूरी करने की जो है वो जिम्मेदारी सरकारों की है। तो क्या सरकार ऐसा कर पा रही है ये आप हम सब बखूबी जानते हैं, इसको आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और इसके जो लोग भुक्तभोगी हैं वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। हम इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए इनके बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में कहा था कि अल्बर्ट आइंस्टीन का हिटलर से जो है वो मतभेद था और ये मतभेद जो था ये बाद में मनभेद के रूप में भी सामने आया। और यहाँ तक कि उस समय के जो सबसे बड़े जो तानाशाह थे हिटलर जर्मनी के, उन्होंने आइंस्टीन को मारने के लिए एक इनाम घोषित कर दिया और उस समय जो इनाम रखा था वो था $5,000 का। मतलब हिटलर आइंस्टीन की सोच से इतने भयभीत थे और इस भयभीत होने के साथ साथ उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को मारने के लिए $5,000 का इनाम रखा, तो आप समझ सकते हैं कि उनके बीच का जो दूरियां थी वो कितनी बड़ी हुई थी। दूसरी जब हम बात करते हैं तो ये जो हिटलर की जो तानाशाही है वो लगभग 1933 में जर्मनी में शुरू हो गई थी और वहाँ हर प्रकार के यहूदी साहित्य को सार्वजनिक होली जलाने का अभियान छेड़ दिया गया था। मतलब जैसे अगर हम कह सकते हैं तो भारत में जो वर्तमान जो हालात है वो लगभग उसी स्थिति की ओर जा रहे हैं और उसी स्थिति में पहुँचाए जा रहे हैं कि एक जो समूह के लोग हैं वो पूरे देश को हथिया लेना चाहते हैं, वो चाहे उद्योगपति हो चाहे वो अपर कास्ट के सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो लोग हों। तो ये जो है ये जो जर्मनी में जो अभियान छेड़ा हुआ था वही स्थिति लगभग भारत की है। हिटलर ने आइंस्टीन के ऊपर $5,000 का जो इनाम रखा उसके साथ साथ ही आइंस्टीन की जो लिखी हुई किताबें थी उनको जला दिया गया।
हिटलर ने जर्मनी के राष्ट्र के दुश्मनों की एक सूची बनाई, उसमें जो है सबसे ऊपर जो है वो आइंस्टीन का नाम था। और आप देखेंगे कि इसमें जो घोषणा की गई थी कि जो व्यक्ति आइंस्टीन की हत्या कर देगा उसे $5,000 का पुरस्कार दिया जाएगा, ये हिटलर ने आइंस्टीन के बारे में कहा। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है जर्मनी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, और जर्मनी छोड़ने से पहले वो एक थ्योरी दे के दुनिया को देखे गए, और वो थ्योरी थी सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविलिटी। ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविलिटी थी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार था, जो भौतिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा आविष्कार माना गया। और बाद में 1921 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने गति के स्वरूप का अध्ययन किया इसमें, और कहा कि गति एक सापेक्ष अवस्था है, जर्मनी के अलावा उनके पड़ोसी देशों में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी रहे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि उनको जर्मनी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो वो पहले स्विट्जरलैंड जाकर के रहे और फिर ऑस्ट्रिया में रहे। और 1914 से 1932 तक आइंस्टीन बर्लिन में रहे। इस दौरान हिटलर की यहूदियों के प्रति घृणा को देखते हुए वे अमेरिका चले गए, और बाद में वो जो है अमेरिका चले गए। तो आप सोचिए कि ये जो तानाशाही सोच के जो लोग हैं वो अपनी मनमानी के लिए कहाँ तक उतर आते हैं कि एक आइंस्टीन जैसी शख्सियत, आइंस्टीन जैसा व्यक्तित्व उसको देश छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ये हम आज का स्टेटमेंट आपके सामने लेकर के आए थे। अब हम दूसरा जो है आज का जो लेसन है उसमें हम एक और बात लेकर के आए हैं जो कि इस देश के युवाओं से संबंधित है, और इस देश के युवाओं के साथ क्या बीत रही है, जो बेरोजगारी का आलम इस देश में जो बढ़ गया है, इस स्टेट में भी जो बेरोजगारी की जो हालात है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे तो हम आज जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं उसमें हम बेरोजगारों को चाहिए नियुक्ति का वैक्सीन, जैसे कोरोना की वैक्सीन सबको चाहिए, ऐसे ही जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, बेरोजगार जो युवा है, उसको भी एक रोजगार का वैक्सीन चाहिए, और उसको सरकार को लिए उसके लिए जो है कदम उठाने चाहिए। वैसे सरकार उसके लिए कदम उठा रही है ये सब आप जानते हैं, पर कोरोना की जो परिस्थितियाँ जो बनी है उसके बाद कई सारी भर्तियों को और कई दूसरे कारणों से भर्तियों को टाल दिया गया है, वो शायद उसकी जल्दी कुछ डेट्स आएंगी। पर ये जो हम इसमें जो कहना चाहते हैं वो सबसे पहली बात तो ये है कि 60,000 नौकरियाँ अटकी हुई है, ये राजस्थान की बात है। राजस्थान में लगभग 60,000 जो नौकरियां हैं वो अटकी हुई है, 40 लाख युवाओं के सपने क्वारंटाइन हो गए हैं, और संक्रमण कम होने पर भी अगस्त से पहले परीक्षाओं की संभावना नहीं बनती है। ये कोरोना की वजह से, कोरोना के बढ़ते हुए जो संक्रमण के जो केसेज आ रहे हैं उसकी वजह से। और आप जानते हैं लगभग 59,317 जो पदों की जो अलग अलग भर्तियाँ हैं वो कोरोना की वजह से अटक गई है। इन भर्तियों में लगभग 17,448 पदों की भर्तियां तो प्रक्रियाधीन हैं, जो अभी कुछ परीक्षाओं शायद अभी होने वाली थी, अब 2 अप्रैल से शुरू हो जाती, पर उनको टाल दिया गया। इनके लिए आवेदन किए जा चुके हैं, वही रीट और आरएस 2018 जैसी भर्तियां कई सालों से चल रही हैं। इसके अलावा 41,869 पदों की नई भर्तियाँ जो है वो शुरू होनी हैं। तो ये जो इस प्रदेश का, देश का जो युवा है वो रोजगार के लिए एक तरह से क्वारंटाइन और आइसोलेशन में चले गया है, उसको रोजगार की ज़रूरत है ताकि वो कोरोना की वैक्सीन की तरह, जैसे हम कोरोना से वैक्सीन से लड़ रहे हैं, ऐसे ही वो रोजगार पाकर के अपनी अपने अस्तित्व को बचा सके। ये इसके लिए सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए। इसी में जो हमने जो इसकी जो मुख्य वजह की जो पड़ताल की है कि आखिरकार ये भर्तियां क्यों नहीं हो रही है, इसमें हमने पाया कि इसकी जो वजह है वो लगभग 4 इसके प्रमुख कारण हैं। इन 4 कारणों में पहला कारण है कोरोना। कोरोना के संक्रमण के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आप सब जानते हैं। इसके लिए जो लापरवाही है और जो सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों को नहीं मानने की वजह से
कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है और देश के विभिन्न हिस्सों में डेड बॉडीज़ के जो है वो ढेर लगे हुए हैं, उनको जलाने के लिए शमशान घाटों में जगह नहीं है। और तब भी जो हमारी जो केंद्र सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, उसको जो कदम कोरोना के पहले दौर के बाद उठाने चाहिए थे, जो दुनिया के दूसरे देशों ने भी उठाए, वैसा शायद इस देश की सरकार ने नहीं किया। और उसमें क्यों नहीं की, क्या 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 उनकी कमियां रही, उसको हम आगे कोरने की गिनाने की कोशिश करेंगे। पहले हम इन भर्तियों की बात कर रहे हैं कि कई भर्तियां ऐसी है जिनमें लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, इसलिए जब तक कोरोना पर कंट्रोल नहीं होगा परीक्षा होना मुश्किल है, पहली वजह है। दूसरी है EWS का कोटा। आप सब जानते हैं कि इस देश में EWS को 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है और उस रिजर्वेशन को फुलफिल करने के लिए सरकार ने एक स्टेप लेते हुए उसको लागू करने की ओर आगे बढ़ी है। और इसमें प्रक्रियाधीन जो भर्ती आया उसमें EWS को आरक्षण देने के नए प्रावधान लागू करने हैं। आवेदन की प्रक्रिया रीओपन होगी, कई उसमें हो चुकी है और जितनी देरी हो परीक्षा उतनी ही लेट होगी। तो ये सरकार इसको जो EWS की जो अपनी जो व्यवस्था है उसको देन जो लाभ देना चाहती है उसको जल्दी से जल्दी दें और परीक्षाओं की तिथियों को जल्दी से जल्दी घोषित करें। तीसरी जो वजह है वो बोर्ड की परीक्षाएं हैं कि राजस्थान में बोर्ड की परीक्षाएं मई में होती हैं और कोरोना के मामले से घटेंगे तब तक परीक्षाएँ जून जुलाई में हो सकती है, इस कारण भी प्रतियोगी परीक्षाओं के जुलाई के बाद ही हो सकेंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। चौथी जो वजह है वो कॉलेज की परीक्षाएं हैं कि कॉलेज की जो परीक्षाएं हैं उसका समय आ गया है और विश्वविद्यालयों में कॉलेजों की परीक्षाओं मई में होनी थी ये स्थगित हो गई है, इन परीक्षाओं का जुलाई में होने की उम्मीद थी। अब ऐसा लगता नहीं है कि जो कोरोना की जो महामारी है जिस तरह से फैल रही है वो तब भी शायद हो पाएगी, तो सरकार को इसके बारे में भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि रोजगार के उपलब्ध मुहैया कराने में जो है युवाओं को जल्दी से जल्दी सरकार रोजगार उपलब्ध करवा सके। आगे का जो हमारा जो इसका जो असर जो पड़ रहा है, कोरोना का जो असर जो पड़ रहा है उसमें आप जानते हैं कि इसमें जो अभी सभी जो बच्चे ग्रेजुएशन में पास होंगे वो टीचर्स बनने के लिए बीएड और बीएलएड जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेंगे, उसमें भी देरी होगी और इससे भी ये भी है इसमें भी परीक्षा टलने की उम्मीद जताई जा रही है। बीएड में प्रवेश की परीक्षा के लिए पीटीईटी के इसके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है लेकिन परीक्षा तिथि तय नहीं हुई है, तो सरकार जो है इसको जो है जल्दी से जल्दी इसकी परीक्षा की तिथि और हो सके तो ऑनलाइन परीक्षा की तिथि करें ताकि जल्दी से एग्जाम हो और इसकी परीक्षा हो जाए। बोर्ड की परीक्षा से पहले आवेदन की तिथि में विद्यार्थी प्री बीएलएड के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, इस परीक्षा के लिए डीएलएड पाठ्यक्रम में 24,000 से अधिक सीटों में प्रवेश होता है और ये जो है ये कोरोना की वजह से जो है ये परीक्षा भी समय पर होने की उम्मीद नहीं है। आगे हमने इस आज के इस सेशन में जो चीज़ शामिल की है उसमें एक अच्छी खबर है और ये जो खबर है ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है और इसमें जो माउंट अन्नपूर्णा की जो चोटी है उस पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते बनी है और ये प्रियंका मोहिते ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें प्रियंका मोहिते सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड बायोकॉन के अनुसंधान संगठन के साथ काम करती है जो दवा की खोज करती है और अन्य कंपनियों को बेचती है। ये भी बता दें कि प्रियंका दुनिया की 5वीं सबसे ऊँची पर्वत चोटी माउंट मकालू पर 8485 मीटर की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड पहले ही बना चुकी है और माउंट अन्नपूर्णा नेपाल की में स्थित हिमालय की चोटी इसका इस पर भी इन्होंने सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। इसकी ऊंचाई लगभग 8000 मीटर से ज़्यादा है। इससे पहले प्रियंका 2013 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जो कि 8849
मीटर ऊंची है, पर चढ़ाई की थी। और वही 2018 में माउंट लोथ से माउंट मकालू, साल 2016 में माउंट किलिमंजारो पर भी चढ़ाई की हुई है। तो ये जो महत्वपूर्ण एक सवाल इसमें से बनते हैं, जिसमें पहला सवाल तो यही है कि अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो उसका जवाब आपका होगा प्रियंका मोहिते। दूसरा है कि प्रियंका मोहिते कहाँ काम करती है, तो ये है इंटरनेशनल सिंजेन इंटरनेशनल बायोकॉन में काम करती है। किस डिपार्टमेंट में करती है, ये दवाई बनाने वाली एक कंपनी है। प्रियंका ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मकालू की जो है उसकी हाइट कितनी है, 8485 है। जो अन्नपूर्णा जो नेपाल में जो चढ़ाई की है उसकी हाइट कितनी है, 8000 के आसपास है। 2018 में उन्होंने कौन कौन सी चोटियों को पे चढ़ाई की है, ये सारे के सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं। अगला जो बिंदु है उसमें हम एक फिर से एक आपको एक डरावनी खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और ये जो है ये पश्चिमी बंगाल में जो चुनाव जो चल रहे हैं, जो चुनावी रैलियां हो रही है, वहाँ COVID-19 का नया इम्यून एस्केप वेरिएंट मिला है। कई लोग इसमें ये जता रहे हैं कि ये शायद हो सकता है कि अभी जो पहला जो कोरोना का वेरिएंट था वो फर्स्ट फेज में था, दूसरा वेरिएंट जो है वो इस सेकंड फेज में है। पहला वेरिएंट जो है वो सेकंड फेज के वेरिएंट से कमज़ोर था, वो सेकंड वेरिएंट है वो पहले वाले जो फेज के जो वायरस था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, घातक है, और उसकी जो मोर्टलिटी रेट जैसे मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया कि उसकी बहुत ज़्यादा है। पर ये जो तीसरा वेरिएंट जो पश्चिम बंगाल में मिलने की जो बात कह रहे हैं, अगर ये बात सही है तो ये और भी ज़्यादा घातक होने की उम्मीद जताई जा रही है। और ये जो क्या है इसका जो है इसका ये नया जो वेरिएंट है वो SARS-CoV-2 है, इसका जो वेरिएंट जो वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया है। और ये जो है इससे प्रतिरक्षा को बढ़ा करके उसको उससे संक्रमित होने से बचा जा सकता है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है भले ही उस व्यक्ति ने पहले वायरस को ग्रहण किया हो। जैसे इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन जो है, वैक्सीन जिन लोगों को लग गई है या जिन लोगों को पहले कोरोना हो गया है, जिनमें एंटीबॉडीज कोरोना के या कोविड की जो है बन रही है, उनके खिलाफ भी ये जो है घातक हो सकता है। दूसरा, ये COVID-19 से डबल म्यूटेड वेरिएंट के समान है, जो 18 राज्यों और भारत संघ शासित प्रदेशों में प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में पाया गया था। और भारत में दुनिया में कम से कम जो है 62.5% B.1.6.1.8 वेरिएंट मिले हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपको इसके जो नोट्स ले लेने चाहिए, जो कि आने वाली एग्जाम्स में आपके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। भारत में 130 B.1.6.1.8 सैंपल में से लगभग 129 पश्चिम बंगाल में सैंपल पाए गए हैं। हाल ही में महीनों में राज्य विधानसभा चुनावों के गवाह रहे पश्चिम बंगाल में COVID-19 के मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पर हमारे जो सरकारें हैं उनको शायद इसकी फिक्र नहीं थी, उनको शायद चुनाव जीतना उसके लिए ज़्यादा अहमियत वाला था, और उन्होंने जो है पूरे के पूरे देश को जो है खतरे की ओर धकेल दिया है। अगला जो बिंदु है वो भी कोरोना से जुड़ा हुआ है, और जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि केंद्र सरकार ने अपनी जो भूमिका है वो बखूबी नहीं निभाई है। कोरोना की फर्स्ट स्टेज के बाद जो केंद्र सरकार को जो तैयारियां करनी थी उतनी तैयारियां केंद्र सरकार ने नहीं की और लापरवाही बरती, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि पूरा देश जो है वो लाशों के ढेर पे में तब्दील हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो केंद्र सरकार जो है वो स्टेट दर स्टेट प्रदेश दर प्रदेश के साथ जो है वो एक सौतेला व्यवहार कर रही है। एक स्टेट में जो है उसकी जो वैक्सीन की जो कीमत है वो दूसरी है, और दूसरे स्टेट में है वो उसकी अलग कीमत है, और तीसरे स्टेट में उसकी और भी ज़्यादा कीमत है। तो इस तरह का जो व्यवहार जो केंद्र सरकार कर रही है उसको जो है सब लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। मीडिया तो खैर उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता, पर उसकी जो वजह है जो जो डिमांड जो आ रही है देश से, वो कह रहे हैं कि जो
वैक्सीनेशन का जो खर्च है उसको केंद्र सरकार को उठाना चाहिए और वन नेशन वन वैक्सीन वन रेट सरकार को पूर्ण नीति अपनानी चाहिए ताकि सबको समान रूप से समान कीमत पर एक जैसी वैक्सीन मिल सके और लोगों को कोरोना से निजात मिल सके। इसमें जो अलग अलग जो कीमत है उसको आप देखिए किस तरह से केंद्र सरकार कर रही है। जिस वैक्सीन को भारत सरकार दो निर्माताओं से 157 रुपए की दर से खरीद रही है उसी वैक्सीन को 6 करोड़ डोज पीएम केयर फंड के माध्यम से एक निर्माता कंपनी से 210 रुपए और 1 करोड़ डोज दूसरे निर्माता कंपनी से 310 रुपए में खरीदी गई है। इससे जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं, एक ही वैक्सीन के तीन दाम करके भारत सरकार ने भविष्य के लिए जनता को भारी कठिनाई में डाल दिया है, जो कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। इसमें यह बहुत ही विचित्र निर्णय है कि एक ही वैक्सीन भारत सरकार को 150 रुपये में और राज्य सरकारों को 400 रुपये में, निजी अस्पतालों को 600 रुपये में सप्लाई की जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। और आप सब जानते हैं कि ये जो वैक्सीन की जो कीमत है और स्टेट्स की जो हालात है, चाहे उनको जीएसटी का पैसा नहीं मिलने की हो, चाहे उनके संसाधनों की कमी हो, स्टेट पहले से ही जो है वो क्राइसिस में है और ऐसे में जो है सेंटर जो है उसको जो है कोविड वैक्सीन में भी एक स्टेट्स के साथ अलग अलग नीतियां अपना करके उसके नागरिकों के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रही है। इसको सरकार को बाज आना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वो वन नेशन वन वैक्सीन वन रेट आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है ताकि वैक्सीन की जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण हो सके। तो ये जो है एक दुखद खबर है जो कि केंद्र सरकार के लेवल पर इस तरह का काम किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकार इसको ध्यान देगी और जल्दी इसके बारे में कोई सार्थक निर्णय लेगी। अभी जो नेक्स्ट जो बिंदु है उसमें हम खेल से जुड़ी हुई जानकारी आपके पास लेकर के आए हैं और ये यूरोपियन GT4 चैम्पियनशिप के बारे में है। आप जानते होंगे, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आपको हम बता देते हैं कि अखिल रविंद्र इस साल चैम्पियंस में उतरने वाले एशिया के इकलौते खिलाड़ी बने हैं और AGS इवेंट में हुंगो कायडे को कड़ी चुनौती मिली है। ये भारत के हैं अखिल रविंद्र, इन्होंने जो है ये यूरोपियन GT4 चैम्पियनशिप में जो फाइनलिस्ट है उसको बहुत कड़ी चुनौती दी है और इसमें बेंगलोर में चल रही है यूरोपीय GT4 चैम्पियनशिप 2021 में अखिल रविंद्र और हुगो कनाडे की जोड़ी को AGS इवेंट में कड़ी टक्कर मिली है। अखिल इस साल इस चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने वाले इकलौते एशियाई खिलाड़ी हैं और रविवार शाम को इटली के मोंजा में हुए रेस में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा है फाइनलिस्ट को। रेस वन में पीछे हटने के बाद AGS इवेंट की इस जोड़ी ने रेस टू में सिल्वर कैटेगरी में 13वां स्थान हासिल किया है और ये जो जोड़ी है भारत की, इसने डबल इवेंट्स में भी जो है 13वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, ये भी आपका खेल से जुड़ी हुई खबर है और ये आपको आने वाली एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। ये यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग के बारे में है। ये यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में जो है 8 बॉक्सर जो है भारत के वो फाइनल में पहुँचे हैं और उन्हें पदक मिलने की पूरी संभावना है और उनमें जो है वो 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। पोलैंड में चल रहे यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में 8 भारतीयों ने बॉक्सर फाइनल में पहुँच गए हैं। इनके अलावा 3 बॉक्सरों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पहली बार भारत सबसे ज़्यादा मेडल जीतने में सफल होगा। इससे पहले 2018 में भारत में हंगरी में हुई वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 10 मेडल जीते थे। तो ये सवाल आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसके आप नोट्स ले सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट जो सवाल है वो महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ सवाल है और विशेष रूप से ये राजस्थान से संबंधित है। आप जानते हैं कि राजस्थान में जो महिलाओं की, हमारी जो बहनों की जो स्थिति है वो कितनी खराब है। सरकार का उनकी तरफ ध्यान नहीं होता है, इवन परिजनों का भी ध्यान नहीं होता है और स्त्री शिक्षा की जो स्थिति प्रदेश में जो है, चाहे उनका जो है मेल फीमेल रेशियो हो, चाहे उनको जो शिक्षा की हो, दूसरी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसमें उनके साथ भेदभाव बरता हो, ऐसी स्थिति में अलवर की जो एक हमारी
बहन है, उनका नाम है सलोनी, और इन्होंने एक बहुत बड़ा नाम अर्जित किया है कि इनका जो फोबर्स की जो मैगजीन है, जो मैगजीन पूरी दुनिया की जो बड़े नामों को उसमें शामिल करती है, उसमें इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने आदिवासियों जो लोग हैं, गुजरात के आदिवासी जो लोग हैं, उनको बांस जो होता है बेम्बू, बांस से जो है वो ज्वेलरी बनाना सिखाया है, और फोबर्स की जो है 30 अंडर 30 की सूची में इनका नाम शामिल किया गया है। सलोनी ने अपने सोशल एंटरप्राइजेज बांसुली के माध्यम से काम कर गुजरात के डांग क्षेत्र में आदिवासियों को बम्बू, बांस की ज्वेलरी व अन्य चीज़ों बनाने का काम सिखाकर उनको आत्मनिर्भर बनाया है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर का नारा देते हैं, वो आत्मनिर्भर जो है हमारी ऐसी बहनें बना रही हैं, और वो भी गुजरात में ही बना रही हैं, तो क्या सरकार को उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? सलोनी के वो इससे पहले 2018 में 3 MCI यंग इन्वेस्टर चैलेंज अवार्ड मिले हैं। 2018 में ही पुणे में इंटरनेशनल सेंटर में टॉप सोशल इन्वेस्टर का नाम इनाम अवार्ड मिला है, और 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल से जो भी है इनको बेस्ट अवार्ड मिल चुका है। तो ये जो सलोनी जो है, इन्होंने आदिवासियों के बीच में काम करके अलवर की होकर के गुजरात में अपना कार्यक्षेत्र चुना और वहाँ के आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये सवाल भी आपके लिए आने वाली RS और दूसरी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आपका एक जैसा जो दौर चल रहा है कोरोना से जुड़ी हुई एक और दुखद खबर है कि हमारी जो सरकारें हैं वो लापरवाही को जो है भाप नहीं पाती है, लापरवाही को ठीक से मॉनिटर नहीं करती है, और उसकी वजह से जो है वो जनहानि होती है। ऐसे में ही आज सवेरे महाराष्ट्र में जो है कोरोना के मरीजों के ऊपर फिर एक कहर टूटा है। एक तो कोरोना का कहर, और ऊपर से जो है विरार के कोविड सेंटर में आग लग गई है। ICU में भर्ती 15 में से 13 मरीजों की मौत हो गई है, और अस्पताल में 90 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये आज सवेरे की घटना है, और ये शायद आज अखबार में भी आपको नहीं सुनना मिलेगी, तो ये ताज़ा खबर है। महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में भी विरार वेस्ट स्थित बल्लभ कोविड सेंटर में ICU में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई थी, और इनमें से 4 महिलाएँ भी शामिल हैं। हादसे के वक्त ICU में 15 मरीज थे, और पूरे अस्पताल में 90 मरीज भर्ती थे। इनमें से ऑक्सीजन का सपोर्ट लेने वाले 21 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो ये एक दुखद खबर है जो कि महाराष्ट्र में घटी है, विरार में घटी है, और जो है उसमें कोरोना के सेंटर में ICU में आग लगने की वजह से हुई है। ये एक दुखद खबर है। आगे जैसे हमें जो फीडबैक मिले थे उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो आज के इससे जुड़ी हुई जो कुछ चीज़ें हैं, जो 23 अप्रैल का इतिहास है, उस 23 अप्रैल के इतिहास को लेकर के भी हम आपके सामने कुछ चीज़ें लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इसमें आप देखेंगे देश दुनिया में 23 अप्रैल को इन घटनाओं के लिए याद किया जाता है, जिनमें पहली घटना है 2008 में म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आन सान सू की को शीर्ष नागरिक सम्मान अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। 2007 में रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस निकोलाइविच एल्टनिस का निधन हुआ था। 2002 में 23 अप्रैल को पेचिंग में भारत और चीन के बीच सीमा पार आतंकवाद पर वार्ता आरंभ हुई थी। 23 अप्रैल 1985 को कोल्ड ड्रिंक की कंपनी कोका कोला ने 99 साल बाजार में रहने के बाद एक नए फार्मूले के साथ नया कोक मार्केट में उतारा था। और 23 अप्रैल 1984 को वैज्ञानिकों ने एड्स के वायरस के बारे में पता लगाया था। ऐसे ही 1908 में जर्मनी, डेनमार्क, ब्रिटेन, स्वीडन, हॉलैंड, फ्रांस के बीच उत्तरी अंटार्कटिका संगठन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और 1616 में 23 अप्रैल को महान कवि साहित्य के महान कवि नाटककार विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 23 अप्रैल को ही हुई थी। तो ये 23 अप्रैल से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं थी जो कि महत्वपूर्ण है और हर बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ये जो चीज़ है वो भी अब आपके सामने लेकर के आए हैं। इसी से जुड़ी हुई 23 अप्रैल की एक और घटना है जो हमारी फिल्म जगत से जुड़ी हुई है,
और आप सब जानते हैं कि हमारी जो फिल्म जगत में जो सत्यजीत रे का एक बहुत बड़ा नाम रहा है और उनका की जो मृत्यु है वो भी 23 अप्रैल को ही हुई थी, इसलिए उनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारी हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इसमें इतिहास में आज के दिन उस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कहा था जिसे ऑस्कर कमेटी ने कोलकाता में आकर सम्मानित किया था। ये उन गिने चुने दुनिया के लोगों में से एक है जिन्होंने ऑस्कर कमेटी ने एट होम आकर के घर पे आकर के उनको जो है ये पुरस्कार दिया था। महान जापानी फिल्मकार अकीरा कुरोसावा ने सत्यजीत रे के बारे में कहा है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, अगर आपने सत्यजीत रे की फिल्में नहीं देखी तो इसका मतलब है आप दुनिया में सूरज या चांद को देखे बिना जी रहे हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट रूस के जो एक हीरो हैं उन्होंने आकर के भारत के जो सत्यजीत रे हैं उनके बारे में ये इतनी बड़ी बात कहना अपने आप में इनके कद को बढ़ा देता है। भारतीय सिनेमा को सत्यजीत रे ने ही पूरी दुनिया में पहुंचाया है, ये आप हम सब जानते हैं। वे ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने अकादमी अवार्ड्स की कमेटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स का पुरस्कार कोलकाता में उनके घर पर आकर दिया था। 2 मई 1921 को कोलकाता में पैदा हुए सत्यजीत रे का शुरुआती जीवन कठिनाइयों में बीता। पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद वे शांति निकेतन गए। उन्होंने कई मशहूर किताबों के कवर पेज भी डिजाइन किए जिनमें जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी शामिल है। तो ये भी एक अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो कवर पेज है उसके फ्रंट पेज को किसने डिजाइन किया। तो इस तरह का जो जीके का जो सवाल है वो एक महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है कि सत्यजीत रे ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लिखी थी उसका कवर पेज डिजाइन किया था। आज की इस सेशन में इतना ही। कल हम फिर से नई जो घटनाएं हैं और कल का जो इतिहास है उसी जुड़ी हुई खबरें लेकर के आपके पास आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, शुक्रिया।